चुकी है। जीरा न्यूज में मैं हूँ शनीला अली। हम यहाँ आए हुए हैं अपनी कौम की बेटी का साथ देने के लिए, अपनी प्यारी बेटी आफिया का साथ देने के लिए। जंग खत्म हुई अफगानिस्तान से और लोग चले गए, सारे फौजी अपने घरों को चले गए, नहीं आई तो फौजियाँ करना आई। जंग खत्म हो गई, सारे लोग आए हुए हैं, सब अपने घरों को जा चुके हैं, लेकिन कौम की बेटी आज भी इन्हीं सलाखों के पीछे है। हमारी हुकूमतें आई, हुकूमतें एक के बाद एक तब्दील होती रही, लोग उन्होंने इस पर इलेक्शन लड़े, इलेक्शन जीते, वो अपने अपने ओहदों पे बैठ गए, लेकिन घर नहीं आई तो कौम की बेटी फौजिया, फौजिया घर नहीं आई। और आज यहाँ लोग मौजूद हैं आफिया के लिए, डॉक्टर आफिया के लिए, कि उनकी रिहाई के लिए। हम उनकी बहन से भी बात करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ है आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी, डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फौजिया। वालेकुम सलाम। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। हम आपके साथ हैं आज इस मकसद में। लोग आए, लोग चले गए, आज माशाल्लाह काफी लोग आपके साथ हैं। आपको कैसा लग रहा है? आप जंग खत्म हो गई लेकिन आफिया अभी तक जेल में मौजूद है, आप क्या आवाम से, आप लोगों से अपील करेंगी, आप हुक्मरानों से क्या अपील करेंगी? देखिए, हम हुक्मरानों से वही अपील है हमारी जो 18 ईयर्स से है कि आफिया को वापस ले आइए। अब तो कोई उजर ही नहीं, अब देयर इज नो एक्सक्यूज एक्सेप्ट दैट यू आर एपैथिक और यू नो यू लॉस्ट योरसेल्फ एंड यू आर नो लॉन्गर पाकिस्तानी। अगर आप ये के लिए आप देख लें कि कितने लोग आ रहे हैं और कितना हुजूम जमा हो गया है। आवाम की आवाज है, कौम की बेटी है, कौम की इज्जत है, कौम की गैरत है। अब जंग खत्म हो गई, अमेरिका ने हार तस्लीम कर ली, अमेरिका ने गलतियां तस्लीम कर ली। आफिया इज अ प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस, शी नीड्स टू कम बैक होम एंड नाउ। तमाम फौजी थे वो अपने घर चले गए, अपनी फैमिली से मिल गए, लेकिन आफिया जो एक बेगुनाह ना करदा गुनाहों की सजा भुगत रही है, वो अपनी फैमिली से अभी भी दूर है। आप उनके लिए, उनके बेटों के लिए, देखें आप देखें कि इवन कुलभूषण को जिसने इतने लोगों को मारा, अपनी फैमिली से बात तो करने देते हैं मिलने, हम तो आफिया की बात आवाज भी सुनने को तरसते हैं। 18 साल हो गए हैं, दिस इज अ वायोलेशन ऑफ ग्रॉस ह्यूमन राइट, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट, दिस इज अ वॉर क्राइम, दिस इज अ ह्यूमन राइट क्राइम, एंड पाकिस्तान एंड US गवर्नमेंट बोथ नीड टू पिक इनफ इज इनफ। इट्स टाइम टू मेक अमेंड, इट्स टाइम फॉर चेंज, इट्स टाइम टू ब्रिंग आफिया होम इंशाल्लाह। हम सब अल जजीरा न्यूज, पूरी आवाम आपके साथ है। हम दुआगो हैं कि आपका ये मकसद बहुत जल्द कामयाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, सब मेरे साथ हैं आफिया सिद्दीकी के बेटे, जिनको हमने बहुत छोटा देखा था और आज ये इतने बड़े हुए हुए हैं। इन्होंने, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना अरसा हो गया है इनको अपनी वालदा से मिले हुए। कितने अरसा पहले आप अपनी वालदा से मिले थे? हमने आपको पहले छोटे से थे तब भी इस मूवमेंट का हिस्सा देखा था, आप माशाल्लाह बड़े हो गए, और कितना अरसा हो गया? मुझे जब मैं छोटा था तब 5 साल का, तो आखिरी दफा जब भी मुलाकात हुई है मेरी, उसके बाद से अब तक नहीं हुई हमारी कोई भी मुलाकात। हम बहुत महसूस कर पा रहे हैं इस वक्त ऐसे बच्चे जो बिला वजह किसी इसका हिस्सा बने हैं, किसी जंग का हिस्सा बने हैं, जो अपनी माँ से, एक 5 साल की उम्र का बच्चा अपनी माँ से दूर हो गया। और आप जो है, हम उम्मीद करते हैं ये मूवमेंट आप लोगों के लिए कामयाब हो। आप आवाम से, हुक्मरानों से क्या कहना चाहेंगे? मैं आवाम से, हुक्मरानों से यही कहना चाहूंगा कि अब बहुत अरसा हो गया है, नाइंसाफी की भी एक हद होती है, इट्स बिन फार टू लॉन्ग, और अब जो है इसको और प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ ह्यूमन राइट्स का इशू नहीं है ये, एज ए नेशन ये हम लोगों पर एक बहुत बड़ा धब्बा है कि हम लोग एक इतनी सी चीज भी नहीं करवा पाए। तो हम सब लोगों को पूरी कोशिश करनी चाहिए फॉर द डिग्निटी ऑफ पाकिस्तान, फॉर आर नेशन, कि हम मेरी अम्मी को, डॉक्टर सिद्दीकी को जल्द से जल्द पाकिस्तान वापस लाएं। माशाल्लाह आवाम आपके साथ है, हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ये आवाम का जोर आपकी वालदा को वापस लाने में जरूर मदद करेगा। अल जजीरा न्यूज आपके साथ है।
अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ है इस वक्त आफिया सिद्दीकी की बेटी, जो कब से अपनी माँ से मिलने के लिए बेचैन है, बेकरार है। कितने टाइम हो गया आपको अपनी अम्मी को देखे हुए? बहुत सारे साल हो गए, बहुत साल हो चुके हैं। इट्स बिन लाइक 18 ईयर्स एंड शी इज बीइंग लीगली डिटेन्ड इन द यूएस ऑन बोगस चार्जेस, ऑन क्राइम्स दैट शी डिड नॉट इवन कमिट। And we have been fighting for her rights and fighting for her freedom for a long time. Our government is not cooperating. Although we have a lot of support and there are a lot of people that want her release, but our government is not cooperating. And it's such a sad thing to see. And it's such a sad thing being a Pakistani that the Pakistani government has left a fellow Pakistani in an illegal detainment in the US and they're not doing anything about it. We've done many such petitions, we've done so many petitions on international forums and a lot of such things, but the place from where there is no activity and there is no support is our government. That's such a sad thing to see. आप फिक्र ना करें, हम आपके साथ हैं। हम चाहेंगे कि बहुत जल्द आप अपनी वालदा से मिलें और वो खुशी का मोमेंट भी हम उसको कैप्चर करें, हम आपके सामने लेके आएं। और लिटरली ये बहुत लंबा टाइम है एक बच्चे के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए जो मौजूद है, जो कहीं तकलीफ में भी है, और इस तरह बहुत बहादुर हैं। आपकी वालदा भी बहुत बहादुर हैं और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं आपकी ये दुआएं, लोगों की दुआएं, ये सब कुछ रंग लाएंगी और बहुत जल्द आपकी वालदा घर वापस आएंगी। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद है पासवान के वाइस चेयरमैन, जो कि आफिया सिद्दीकी की बहन के साथ शाना बशाना खड़े हैं उनके हुकूक के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर, आप क्या कहेंगे? वालेकुम अस्सलाम। मेरा ख्याल है ये कर्जा है पाकिस्तानी कौम पर, वो जितना जल्दी इसको चुका दे वो बेहतर है। कहीं ऐसा ना हो कि आखिरत में आफिया वहाँ खड़ी होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या अल्लाह से गिला करे कि मुझे कैसी कौम में पैदा किया था जिन्होंने मुझे अखियार के हवाले कर दिया। तो ये पाकिस्तानी कौम पे लाजिम है कि वो ये आज यहाँ पे खड़े होकर ये इससे यकजहती का इजहार कर सके, ताकि खुदा के हुजूर ये कहा जा सके कि मालिक हम ताकत में तो नहीं थे लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि अपनी बहन को हम इन गैरों की कैद से छुड़ा के वापस लेकर आए। यही मेरा पैगाम है। अल्लाह ताला आपको इस आपके इस मिशन में कामयाब करे। हम सब आपके साथ हैं, जजीरा न्यूज आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। और हमें आपके साथ साथ और भी बेशुमार दुआओं की भी जरूरत है कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को भी तौफीक दे कि वो ये दुआएं सुने और ताकि इस अजर अजीम में वो भी शरीक हो जाए। इतनी सारी हुकूमतें आई, लोगों ने आफिया सिद्दीकी के नाम में वोट लिए और उसके बाद हमें कुछ होता नजर नहीं आया, इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? बस मैं यही कहूंगा कि ये इन हुक्मरानों की बदकिस्मती है कि उन्होंने अपने मकासिद के लिए आफिया सिद्दीकी का नाम तो इस्तेमाल कर लिया और दुनिया में तो कामयाबी हासिल कर ली मगर आखिरत गंवा दी है। अगर वो आखिरत संवारना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो आफिया को वापस लाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका भी। थैंक यू।